उसके बाद अल्लाह ताला ने शाइरुल्लाह की ताजीम का हुक्म दिया। शायर शाइरा की जमा है, शाइरा महसूस अलामत को कहते हैं। अल्लाह ताला की जात महसूस नहीं की जा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीजें, कुछ अशिया ऐसी हमें अता फरमाई हैं जिनके जरिए से अल्लाह की जात का हम इदराक और एहसास कर सकते हैं। ऐसी चीजों को शाइरुल्लाह कहते हैं। कलाम पाक शाइरुल्लाह में से काबा, नबी की जात, नबी के वारिसीन अंबिया, दीनी किताबें, ये सब शाइरुल्लाह है। हद ये कि यहां फरमाते हैं कि वलबुदना जालना हलकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो कुर्बानी के ऊंट हैं जिन्हें तुम हांक के ले जाते हो मीना में हज के मौके पे कुर्बान करने के लिए अल्लाह के नाम पे, चूंकि अल्लाह के नाम से अब ये मखसूस हो गए तो अब ये शाइरुल्लाह में से है, अब इन्हें इज्जत से लेके जाओ। अजीजाने गरामी, मैं आपसे हां कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा से एक सवाल करता हूं, अगर अल्लाह हमें अपनी किताब में कुर्बानी के जानवरों की, ऊंटों की ताजीम का हुक्म दे रहा है तो इन शाइरुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें हम असातिज़ा कहते हैं, जिन्हें उलमा कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं, इन इमारतों के बारे में जहां कुरान और हदीस की किताबें सजी हुई हैं, वो क्लासरूम जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है जी, वो लेबोरेटरीज जहां अल्लाह के हुक्म का, हुक्म को पूरा करते हुए आप साइंस पढ़ते हैं, क्या ये शाइरुल्लाह में से नहीं है? क्या इनके एहतराम और ताजीम का अल्लाह हुक्म नहीं दे रहा है?